अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब शेख है, मैं मुमरा से बिलोंग करती हूँ और मैं 4 साल से अपनी एक कोशिश स्पोर्ट्स क्लब मुमरा के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ करके रखी हूँ और हर साल ये बच्चों के लिए मैं एक इवेंट तैयार करती हूँ जिसमें हम एजुकेशन और नॉन एजुकेशन दोनों बच्चों को मौका देते हैं कि आए खेले, क्योंकि साल भर बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स का मौका नहीं मिलता है। बड़े बड़े जो बच्चे होते हैं उनको हम क्रिकेट का टूर्नामेंट, फुटबॉल का टूर्नामेंट दे देते हैं, बट जैसे कि स्कूल के बच्चे होते हैं अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। सिर्फ स्कूल में एक साल भर में एक बार मौका मिलता है, स्कूल का स्पोर्ट होता है। तो उसके अलावा हमने सोचा था कि हम एक क्लब बनाएंगे और हर साल ये बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देंगे, क्योंकि मुमरा में जीतेंगे तो वो थाने में जाएंगे, थाने में जीतेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे जाएंगे। तो हर साल मैं 4 साल से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ जिसमें मेरी क्लब का नाम भी आप जान सकते हैं, कोशिश स्पोर्ट्स क्लब है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हर साल मैं इस मुमरा के सारे बच्चों के लिए, जैसे कि अब्दुल्ला पटेल इंग्लिश मीडियम है, अब्दुल्ला पटेल उर्दू है, मुमरा पब्लिक इंग्लिश है, मुमरा पब्लिक उर्दू है, असदुल्ला है, सिम्बोसिस है, रॉयल ब्लॉसम है, जैसे कि 15 से 16 टीम तो अभी तक आ चुकी है और भी आगे टीम्स आएगी। इसमें ये 4 दिन का इवेंट है, 3 दिन बच्चे गेम खेलेंगे और 4थे दिन बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बांटा जाएगा। गेम में जैसे कि हम देखें लड़कियों के लिए सेपरेट डे पे डॉज बॉल है, कबड्डी है, खो खो है, टग ऑफ वॉर है और रिले रेस है, और बॉयज़ के लिए बॉक्स क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, रिले रेस है, ये 4 चीज़ें हैं। ये हमारे मुमरा के पाम रिवरिया साइट के ग्राउंड पे, जिसके स्पॉन्सर है एहतशाम खान सर, उनकी बदौलत हमको ये ग्राउंड मिला, उन्होंने हमको स्पॉन्सर करके दिया है, उनका काफ़ी बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए। तो मैं शुक्रिया करूँगी एहतशाम खान सर का कि हमको उन्होंने सपोर्ट दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफरीन शेख, कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी। ज़ैनब एक मेरी पहली बात तो एक ऑफिशियल एक मेरी अच्छी दोस्त है, काफ़ी दिनों से ज़ैनब हो गई, सबा हो गई, ये लोग मेरी एक अच्छी सी फ्रेंड है। ये लोग ने मतलब इनकी मेहनत देख के मुझे इनको मतलब इनको इनकी इनकी बैक टू बैक जो इनका सीज़न 4 जो चल रहा है इनका, इनकी काफ़ी मेहनत है जो सारे स्कूल के बच्चों को दिन रात एक्यूमुलेट करके टीम के प्रिंसिपल के मैनेजमेंट से कांटेक्ट करके बच्चों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करना, स्पॉन्सरशिप का मैनेजमेंट देखना और दिन रात बच्चों को एक नया नया रिव्यू निकालना, ताकि बच्चे अपने स्पोर्ट्स के अपने टैलेंट को रिव्यू आउट करें। मैं यहाँ पर इनके इन्वाइट करने पर आई हूँ, मैंने काफ़ी देर से देखा इन लोगों की मेहनत है ग्राउंड पर, जो बच्चों को कंटिन्यू सुबह 7 बजे से बच्चे कहाँ कहाँ से स्कूल से आए हैं, ये स्कूल के बच्चे भी हैं और नॉन स्कूल जो नॉर्मल जो ग्राउंड पे खेलते वो बच्चे भी हैं, इन्होंने सबको मौका दिया कि सब बच्चे इस ग्राउंड पर आके अपना टैलेंट को आजमाए अपनाए। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है जो बच्चे लोगों में उत्साह है सुबह से स्पोर्ट्स खेलने की, क्योंकि लोगों की लाइफ आजकल हेक्टिक हो चुकी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्लास जाते हैं, फिर वो फ़ोन में रहते हैं, तो जो छोटे प्री प्राइमरी के बच्चे हैं स्पोर्ट्स के जो शौकीन है वो अपना स्पोर्ट्स इसी तरह से अपना टैलेंट ग्राउंड पर खेल के एटलीस्ट उनका टैलेंट बाहर आएगा, तो ये लेवल से स्टेट लेवल तक जाने के लिए इंशाल्लाह कोशिश होगी आगे कि बच्चे हमारे टैलेंटेड कैसे उनका टैलेंट को रिव्यू आउट करें।